राधा स्वामी। ये शब्द आपने सुना मीराबाई जी का शब्द है और कितना ऊंचा उन्होंने इस नाम का वर्णन किया है, कहा इसके समान कोई धन और है ही नहीं है, ऐसा रत्न है ये। और उनके गुरु कौन थे, और वो उच्च कोटि की राजपूत रानी होती हुई रैदास जो के चमड़े का काम करते थे, जूते बनाते थे, वो उनका गुरु था और उन्होंने उनको गुरु मानकर उनसे नामदान लिया और ये कह दिया कि गुरु ने मुझे अनमोल रत्न दिया है। बड़ी लंबी कहानी है, मैं उधर नहीं जाना चाहता। और उसी को देखकर पीपा राजा को भी शौक आया कि मैं भी वहीं जाता हूँ, मैं भी उनसे नाम लेके आता हूँ। पीपा राजा ने नाम की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो गए पीपा राजा भी रविदास के पास गए तो वो चमड़े का काम कर रहे, जूते बना रहे हैं, कहते महाराज मेरे ऊपर कृपा करो, नामदान दीजिएगा, प्रसाद दीजिएगा। तो उन्होंने जो वो जिसमें चुमड़ा धोते थे, कुठली उसको बोलते हैं, मैंने देखी बनारस में, वो अभी भी है, उसमें से उन्होंने एक पानी लिया और उसको कहा लो पियो, अमृत है। तो उसने ऐसे हाथ कर लिया, ऐसे ऐसे हाथ बीच में से छोड़ दिया, पानी नीचे अंदर नहीं जाने दिया और पानी नीचे गिर गया और उसके कपड़े भी खराब हो गए। यह सच्ची कहानी बता रहा हूँ। अब जब गया अपने दरबार में, देखा मेरे कपड़े खराब हैं, धोबी को बुलाया गया कि देखो मैं क्या नाम लेने गया था और मुझे उस चमड़े बनाले ने ये पानी पिला दिया, मेरे कपड़े खराब कर दिए, मैं शुक्र है कि मैं पी नहीं लिया, पता नहीं मेरा क्या हाल होता। तो धोबी को दिया गया, धोबी ने बथेरा धोया, नहीं धुला, तो उसने कहा बेटी देखना जी क्या बात है, रंग नहीं उतरा था इसका। कहते पिताजी मैं देखती हूँ, बोले दो उसने चूस लिया, ऐसा कहा गया है, उसने चूसा, जैसे वो चूसा उसमें से कुछ रसा उसके अंदर चला गया और उसके अंदर का प्रकाश खुल गया, प्रकाश खुल गया और वो बताने लगे कि तुमने ये गलती की। दौड़ा गया फिर उनके चरणों में, कहते वो टाइम ही था वो वक्त ही था, अब नहीं वो काम बनेगा। नाम की बहुत बड़ी महिमा है और गुरुवाणी में तो जहाँ तक कह दिया सर्व रोग का औखद नाम, किस ढंग से कहा गुरु महाराज ने ये बात कि सभी रोगों का नाम ही एक दवाई है, मगर क्या हम नाम लेने के बाद उस पर चलते हैं, नहीं चलते। कलयुग का बहुत बड़ा जोर है, आज कलयुग का बहुत बड़ा जोर है, हम वहाँ भी स्नान करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब गुरु अमृतसर जी जो तालाब है, अमृतसर साहब का जो तालाब है उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, उसको नहीं लोगों ने समझा, वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ फिर मैं आगे चलता हूँ। ये जो हमारा इलाका है इसमें बड़े राजे हुए हैं, तो एक राजा था अमृतसर के पास, पता नहीं तरन तरन था या कहाँ का राजा था, उसकी 7 लड़कियाँ थीं। तो उसने लड़कियों को पूछा बेटा तुम किसका भाग्य खाती हो, कहते पिताजी आपका भाग्य खाते हैं, आपका भाग्य खाते हैं, आपने कमाया हम खाते हैं। तो सबसे जो छोटी लड़की थी उसने इनकार कर दिया, कहती नहीं पिताजी मैं आपका भाग्य नहीं खाती, मैं अपना भाग्य खाती हूँ। तो उसको बड़ा क्रोध आया कि मेरी बेटी, बाकी सभी कहती हैं कि मैं तेरा ही भाग्य खाती हूँ और ये दिमाग खराब है, तो ढिंढोरा पिट गया, इसकी शादी करो, किसी कोड़े के साथ शादी करो, देखो कौन सबसे ज़्यादा लंगड़ा लूला है, जो चल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, उसको ढूंढ कर लाया गया। और उस रत्नों भी, उसका नाम रत्नों भी था, उसके साथ उसकी शादी कर दी और घर से निकाल दिया, जाओ अब अपना ही कर्म खाओ। वो चलती चलती चलती, ये उस वक्त अमृतसर शहर नहीं था, ये गांव था एक नज़दीक में, और वहाँ पर बेरी जो आज भी है मैंने देखी है, वो बेरी का वृक्ष था और छोटा सा तालाब था, छोटा सा,
जिसको पंजाबी में हम छपड़ी कहते हैं, तो वो अपने पति को वहाँ छोड़कर कहती मैं गांव से कुछ मांगने वाला ले आऊँ, अगर तेरे को लेकर गई तो लोगों ने हमें बुरा भला कहना है क्योंकि तेरा शरीर ठीक नहीं है, तेरे शरीर पर जख्म है, ये है वो, ऐसा होता ही है ना, लोग नहीं पसंद करते, कौन आ गया यहाँ मांगने का लिए, गंदा है, मैं अकेली जाती हूँ, तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम यहाँ बैठ जाओ और जब तक मैं नहीं आती आपने यहीं रहना, मैं मांग के लाती हूँ। वो चली गई गांव में मांगने के लिए, इतिहास में उस गांव का नाम भी लिखा है, मैं अब भूल गया हूँ। तो वो क्या देखता है थोड़ी देर के बाद के कौए कहाँ, वो छपड़ी में आते हैं, पानी में गिरते हैं और सफ़ेद होकर उड़ जाते हैं, हंस बन के उड़ जाते हैं। वो देखता गया कहता कमाल है, ये क्या बात है, यहाँ मैं भी देखता हूँ कि शायद मेरा भी शरीर निर्मल हो जाए। तो उसने वो रेड़ी में से जैसे खिसखुस के निकला और घसीट करके उस वस्त्र पर छपड़ी में उतर गया, लेकिन उसने अपनी एक उंगली बाहर रखी कि कहीं पत्नी को शक ना पड़ जाए। जैसे वो बीच में उतरा उसका शरीर बिल्कुल निर्मल हो गया, सारा कोढ़ खत्म हो गया। और वो जब वापस आई तो रोने लगी कि मेरा पति मार दिया आपने। वो कहता है मारा नहीं, मैं ही हूँ, ये देख आजा तेरे को दिखाता हूँ, पानी में डाला वो गूठा भी ठीक हो गया। यहाँ पर गुरु साहबान ने वो तालाब बनाया हुआ है। ये और बात है कि वो पहले वाली शायद बात ना हो, लेकिन अपनी श्रद्धा काम करती है। तुम श्रद्धा से उसमें स्नान करोगे कि ये वो जल है जिसने कोढ़ भी ठीक किया तो मेरी भी बीमारी ठीक करेगा, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है, पीछे दिखाया था वहाँ लोग उस पवित्र तालाब को भी गंदा करते हैं, उस तालाब को भी गंदा लोग करते हैं जिनकी श्रद्धा नहीं है। तो ऐ इंसान, तेरी श्रद्धा ने काम करना है, तेरे विश्वास ने काम करना है। तू श्रद्धा रख और विश्वास रख, वो तेरे अपने घट में बैठा है, तेरे अंदर की आवाज़ को सुनता है, बाहर के दिखावे को वो नहीं देखता। तुम धूप जलाओ, पाठ करो, जो मर्जी करो, वो दिखावा है, अंदर से आवाज़ एक निकलती है, उसको निकालो, तुम्हारी बात को सुन लिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, संतों ने रिसर्च की है, महापुरुषों ने रिसर्च की है, और गुरुवाणी में श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी फैसला लिख दिया, जपजी साहब के आखिरी श्लोक में उन्होंने भी लिख दिया, चंगे आइयां बुरे आइयां बाचे धर्म हदूर। जो भी हम करते हैं उसको मालिक देख रहा है, चंगे आइयां बुरे आइयां बाचे धर्म हदूर, करनी आपो अपनी की नेड़े के दूर। जो कर्म हम करेंगे हम उसका ही फल भोगेंगे। जिन्हें नाम ते आया गए मशक्कत काल, जिन्होंने नाम का सिमरन कर लिया और उसमें उतर गए, वो मशक्कत कर गए, वो मेहनत कर गए, और उनकी नज़र से कईयों का भला भी हो जाता है, जैसा गुरु नानक साहब ने कहा। आप मेरी बात को समझ गए? अब दो बातें हैं यहाँ, कर्म और नाम। नाम तब होगा जब तुम्हारा कर्म ठीक होगा, अगर कर्म ठीक नहीं है नाम भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। मैं आपको एक शब्द सुनाता हूँ, दाता दयाल जी महाराज का शब्द है, ये शब्द कब लिखा उन्होंने वो भी बता देता हूँ। दाता दयाल जी महाराज, बाबा फकीर जी महाराज के पिताजी रिटायर होकर घर आ गए, तो गांव वाले अब कई देर के बाद आए थे, गांव वाले उनको तंग करते थे, कोई ना कोई उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देनी। तो उन्होंने बाबा फकीर को लिखा, अपने पुत्र को लिखा कि फकीर ये गांव वाले मुझे ऐसे ऐसे करते हैं, मैं क्या करूं? तो दाता बाबा जी ने वही चिट्ठी जो पिता ने उनको लिखी थी वो दाता दयाल को लिख दी, महाराज जी को लिख दी, क्योंकि वो उनको मालिक समझते थे। उस चिट्ठी के उत्तर में ये शब्द है, उस चिट्ठी के उत्तर में जो परमदयाल जी महाराज के पिताजी ने अपने पुत्र को लिखी थी कि गांव वाले मुझे तंग करते हैं, तो उसके जवाब में दाता दयाल ने जे चिट्ठी लिखी जो इस किताब में है,
वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ताकि हमें कर्म करने का सबसे पहले पता लगे कि कर्म कैसे करना है। पढ़ो बेटा। राधा कोई दुख सुख का नहीं दाता, तेरी है भूल सब। वो दाता जी कहते हैं, दाता दयाल मेरे दादा गुरु लिखते हैं कि ऐ इंसान, तेरे सुख का और दुख का कोई और जिम्मेदार नहीं है, ना तुम्हें कोई सुख देने वाला है ना तुम्हें कोई दुख देने वाला है। सुख भी तुम्हें तुम्हारे सुख के बदले में मिलेगा और दुख भी तुम्हें तुम्हारे दुख दिए हुए के बदले में दुख मिलेगा। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। ये कानून है यहाँ का, कलयुग का ये कानून है। कलयुग का कोई कानून नहीं है, सिर्फ दो कानून है। कल केवल एक नाम आधारा, कलयुग में केवल एक नाम है, बाकी कोई पूजा नहीं है, कोई तीर्थ यात्रा नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई किसी तरह का कर्म कांड नहीं है। कलयुग में केवल नाम है और कुछ भी नहीं है। इसलिए लिख दिया जिस नाम ने जपा, जैसे लिख वहां तो लिख दिया, नाम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपो, हम जैसे जैसे हम ध्रुव प्रहलाद को याद करते हैं, उन्होंने नाम उस मालिक को याद किया, किसी को नहीं याद किया, किसी देवी को याद नहीं किया, किसी देवी को याद नहीं किया, और केवल अपने गुरु या माँ के कहने पर एक मालिक को याद किया। जो एक को याद करता है उसका ही कल्याण होता है, जो दुविधा में पड़ जाता है, दोग में आ जाता है, वो उसका कल्याण नहीं होता। इसलिए दाता कहते हैं, तुम्हें क्यों ऐसा सोचते हो, सुख दिख देने वाला दूसरा कोई नहीं, तेरे पिता को कोई दुख नहीं दे रहा, उसका अपना ही दुख है। क्या कहा मैंने, बोलो आगे। कोई दुख सुख का नहीं दाता, तेरी है भूल सब, कर्म अपने करते हैं अनुकूल और प्रतिकूल सब। हमारा कर्म ही हमारे को अच्छा भाव देता है, हमारा कर्म ही हमें बुरा फल देता है। और कर्म क्या है, अब सवाल ये पैदा होता है। दाता दयाल जी ने यहाँ कर्म का पूरा डिटेल नहीं लिखा, क्योंकि बाबा फकीर कर्म को समझते थे, इसलिए उन्होंने नहीं लिखा। कर्म बहुत गंभीर है, बहुत लंबा चौड़ा है कर्म का ख्याल। मेरे अनुभव के अनुसार मैं उसको 3 डिग्रीज में मानता हूँ। एक शरीर से करना कर्म करते हैं हम, एक अपने वचन से कर्म करते हैं हम, और एक हम अपने ज्ञान इंद्रियों से कर्म करते हैं। इसलिए संतों ने कहा, मन वचन और कर्म से शुद्ध रहो, मन से शुद्ध रहो, वचन से शुद्ध रहो, और फिर कर्म भी अच्छा करो। ये 3 बातें हैं। अब मन से शुद्ध कैसे रहेंगे, अपने आप को पूछो। हम कितनी ईर्ष्या रखते हैं एक दूसरे के साथ, कितना द्वेष करते हैं एक दूसरे के साथ, जाति का द्वेष, धर्म का द्वेष, प्रदेश का द्वेष, पार्टी का द्वेष, इतने द्वेष पड़े हुए हैं हमारे देश में। हम किसी बात को समझते नहीं हैं। फिर जाति का द्वेष, ये उस जाति का है, ये उस जाति का है, ये उस जाति का है, वो भी द्वेष है। फिर रंग का द्वेष, लड़के लड़की की शादी करनी है, लड़की काले रंग दिया जा, लड़का काले रंग दा सी नहीं उत्थे शादी करनी, ये भी द्वेष है। क्या कहा मैंने, ये चीज़ें जो हमारे मन के अंदर हैं, बुराई से भरी हुई, हम दूसरों की बुराई देखते हैं, ये हमारे जीवन को बर्बाद करता है। इसलिए संतों ने लिखा, मत देख पराए अवगुण, क्यों पाप बढ़ाए शन शन,
ऐ इंसान तू दूसरों की बुराई देखना बंद कर दे, इससे तू ही पाप का भागी बनता है, क्योंकि हम दूसरे की बुराई देखते हैं और वो बुराई का हमें हक मिल जाता है। कभी नहीं अपने मन से क्या कहो, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, कभी ये गुरबाणी कहती है, हम ही चंगे नहीं है तो बुरा भी कोई नहीं है। क्या कहा मैं, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कहे, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिले आपको, जब मन देखा अपना मुँह से बुरा ना को, जो कुछ है ऐ इंसान तेरे मन में है, अच्छाई भी तेरे मन में है, बुराई भी तेरे मन में है, नेकी भी तेरे मन में है और बदी भी तेरे मन में है। जब बदी मन में होगी तो आंखें भी बदल जाती हैं, जब अच्छाई मन में होगी तो आंखें बदलेंगी नहीं। क्या कहा मैंने, जब नीयत साफ है तो आंखों में तब्दीली नहीं आएगी, जब नीयत खराब होगी तो आंखें भी बुरा देखना शुरू कर देंगी। इसलिए बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि यही आँख है, तुम इसी आँख से अपनी माँ को देखते हो, इसी आँख से अपनी बहन को देखते हो, इसी आँख से अपनी बेटी को देखते हो, और इसी आँख से जब किसी पराई औरत को देखते हो तब अपनी आँख का हाल देखो क्या है। अगर तब भी ये नहीं बदलती तो फिर तुम्हारी अंदर से नीयत ठीक है, तुम्हारी आँख भी ठीक है और तुम्हारा अंतःकरण भी ठीक है। क्या कहा मैंने, और ऐसे ही हमारी वाणी है, मीठा बोलो मीठा सुनो, बुरा बोलोगे बुरा सुनोगे, मीठी वाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। यहाँ तो ये है कि उसने ईंट मारी तो मैं भी पत्थर मारूंगा, ये काम नहीं चलेगा। संत मत ये कहता है कभी तुम्हारी नज़र में कोई बुरा है ही नहीं, अगर किसी ने तुम्हें गाल दी है तो हो सकता मैंने भी कभी उसको गाल दी होगी, अब ना दो, अब ना दोबारा करो, आप उसने अपना ले लिया, हिस्सा ले लिया तो बस चुप हो जाओ। क्या कहा मैंने, इसलिए हम अपने वचन से भी बहुत बुरा कर्म करते हैं, और इन वचनों ने ही युद्ध करवा दिए, इन वचनों ने ही राजाओं के राज खत्म कर दिए, इन हमारी वाणी ने ही हमारे परिवारों को बर्बाद कर दिया। घरों में देखो तो क्या क्या हम वचन करते एक दूसरे के साथ, मैंने देखा औरतों को लड़ते हुए देखा है, वो क्या है, वो वचन खराब है, इसलिए उन घरों में शांति हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती, उन घरों में कभी अमीरी आएगी नहीं, क्योंकि वहाँ तो क्रोध ही बड़ा है, आपस में झगड़ा बहुत है, एकता है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं। ऐसे ही हम कर्म भी बुरा करते हैं, चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, झूठ बोलते हैं, मिलावट करते हैं। मेरा देश इतने महान संतों का देश है, लेकिन जो काम हमारे इंडिया में हो रहा है वो कहीं भी नहीं है दूसरे देशों में। क्या कहा मैंने, दूध में पानी, दालों में पत्थर, क्या कहा मैंने, कहाँ हमारे को शुद्धि कहाँ मिल रही है, कहीं भी नहीं। जो घर में खा लिया वही सह शुद्ध है, जो बाहर खाओगे वो कभी शुद्ध हो नहीं सकता। इसलिए ये कर्म को संभालना है हमने, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीन तैसो फल चाखा। ये मान लो जो तो तुमने कर्म किया है तुम्हें ही उसका फल मिलेगा। आगे पढ़ो बेटा। कर्म की प्रधानता की क्या नहीं तुझको समझ। दाता दयाल कहते हैं बाबा फकीर जी को, क्या तुम्हें पता नहीं है कि कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है इस जग में, और कुछ भी प्रधान नहीं है। कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। जहाँ बड़े बड़े ऋषि नहीं बचे, मुनि नहीं बचे, अवतार नहीं बचे, क्या कह रहा हूँ मैं आपको, तो हम किस बाग की मूली हैं, हम तो पाँव पर कदम कदम पर बुरा कर्म करते हैं, हमारा बोलना ठीक नहीं। और दूसरी बात मैं एक और कह देता हूँ, शायद द्वापर में, त्रेता युग में, या सतयुग में जो खाना आज हम खा रहे हैं शायद नहीं होगा,
तब शहर पवित्र होगा, अच्छा होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आज से बचपन में अपने बचपन में जाता हूँ तो देखता हूँ तब हमारा खाना कितना शुद्ध था, कोई मिलावट नहीं थी। ये वनस्पति घी गांव में नहीं आता था। किसी बच्चे की शादी होती थी तो अगर किसी ने वनस्पति घी ले आए तो लोग वहाँ खाना नहीं खाते थे कि हमने वहाँ जाएंगे, वो डब्बे वाला घी ले आया है। क्या कहा मैंने, ये मैं अपनी आँखों को देखा हुआ है। देसी घी होता था, भैंसों का घी होता था। हर घर में गाय होती थी। गाय क्यों होती थी कि सब लोग जिम्मेदारा करते थे और गाय जो थी वो बछड़ा पैदा करती थी और वो बैल बनता था और उस बैल से खेती बाड़ी होती थी। आज गाय की क्या ज़रूरत है, आज तो ट्रैक्टर खड़े हैं हमारे घरों में और हम किस गाय को ढूंढते फिरें, कौन उनकी टांगे बांधे दूध लेने के लिए 2 किलो और 40-40 किलो दूध देने वाली भैंसें आ गई। लेकिन हमें तो मिसगाइड किया जाता है कि गऊ माता लाओ, ये करो वो करो, नहीं हो सकता। समय के मुताबिक हमें बदलना पड़ेगा। तो उस समय ने हमें बदल दिया, हमारी खुराक बदल गई है, हमारा खुराक के साथ हमारा देखना बदल गया है, खुराक के साथ हमारा सोचना बदल गया है। बाकी कुछ नहीं बदला, सूरज नहीं बदला, चाँद नहीं बदला, प्रकृति नहीं बदली, ज़मीन को हमने बदल दिया, ज़मीन का सत्यानाश कर दिया हमने, उसमें दवाइयाँ डाल डाल कर हमने क्या क्या कर दिया और हज़ारों बीमारियाँ पैदा कर दी हमने। आओ वापस चलें, खेती बाड़ी करें, उसी तरह से करें। ये बाकी बीमारियों वाली चीज़ डालना बंद कर दो। विदेश में मैं जाके आया हूँ, कोई खाद नहीं डालता, ये यूरिया या कोई जो कीड़े मारने वाली दवाई, वहाँ कीड़ा है ही नहीं, है ही नहीं, हमने पैदा किए कीड़े। क्या कहा मैंने, इसलिए हमारा जो इस वक्त का रहनी सहनी है ये बहुत भ्रष्ट हो चुकी है। खाना ठीक नहीं तो मन भी ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है तो ख्याल भी ठीक नहीं है, ख्याल ठीक नहीं है तो कर्म भी ठीक नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसा अन्न वैसा मन। क्या कहा मैंने, बात को पकड़ने की कोशिश करो। आप मानवता मंदिर में आए हैं, बात को पकड़ो, उसको ऊपर चलो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी रहने बदल जाएगी, तुम्हारा कर्म बदल जाएगा। कर्म बदल जाएगा तो जिंदगी में रौनक आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। आगे पढ़ो, कर्म क्या प्रधानता क्या तुम नहीं जानते हो। कर्म की प्रधानता की क्या नहीं तुझको समझ, कर्म से आनंद है और कर्म ही है सूल सब। कर्म प्रधान, मैं तो यहां तक कह देता हूं, हमारा खाना भी कर्म है, जो हम खाते हैं वो भी कर्म है, जैसा खाएंगे उसका असर भी हमारे शरीर पर है। जो फास्ट फूड खाते हैं, क्या आप फास्ट फूड में क्या क्या आ जाता है, अब तो दुकानें बड़ी बड़ी खुल गई शहरों में, फास्ट फूड के बड़े बड़े होटल खुल गए हैं, उससे वजन बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी तो किडनी खराब होगी, फिर हॉस्पिटल में जाएंगे, किडनी का हॉस्पिटल ढूंढो या ओएसएस का हॉस्पिटल ढूंढो या वो हॉस्पिटल ढूंढो, जाते हैं ना। आज से 60 साल पहले कोई हॉस्पिटल थे, सिर्फ वैद्य होते थे घरों में, गांव में, हर गांव में, या एक कितने ऑफिसर डॉक्टर होता था MBBS, वो भी हॉस्पिटल में। क्या कहा मैंने, गांव में हकीम होते थे, ऐसे 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 देखते थे। मुझे याद है, ये पिपला वाला है ना, पिपला वाला, वहाँ एक हकीम था। मैं आपको बहुत पुरानी बात सुना रहा हूँ। तो वो आप जाओ ना जाओ, मरीज का पेशाब भी लेकर चल जाओ शीशी में, वो सब पेशाब रख देते थे।
उस नज़र से देखता था और उस नज़र से देखने के बाद वो बीमारी पकड़ लेता था, इसको ये बीमारी है और ये दवाई दो। क्या कहा मैंने? तो एक आदमी ने शरारत के, मेरे बापू ने ये बात सुनाई, मेरे दादा ने, किसी आदमी ने अपने घर में कोई जानवर रखा हुआ था, उसका पेशाब बोतल में डाल लिया उसका टेस्ट लेने के लिए, और वो अगर कोई औरत जाती थी तो वो उसके धागा बांध देता था, यहाँ बांध ले बेटा धागा, और खुद पकड़ लेता था और धागे से उसकी नब्ज को जान लेता था। ऐसे हमारे हकीम थे। क्या कह रहा हूँ मैं? तो वो ले गया, देखा उसने, कहता जी मेरी पत्नी का है महाराज, देखो बाबा जी डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम है, ये तो उठती नहीं है, ये है वो है। उसने देखा शीशी, देखता रहा देखता रहा देखता रहता। बापू जी मेरे कहते वो हकीम उसको कहता, तेरी पत्नी की चार टांगे हैं, ये तो चार टांगों वालों का पेशाब है, तेरी पत्नी की चार टांगे हैं। ऐसे हमारे हकीम होते थे। आज कोई बीमारी भी नहीं पकड़ी जाती जब तक ब्लड टेस्ट ना हो, कोई डॉक्टर तुम्हारी बीमारी नहीं दे। और फिर क्या कहते थे? पूरी देने के बाद ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। एलोपैथी की दवाई जड़ी मर्जी ले लो, उन्हें तो कुछ नहीं कहना, जो मर्जी खाओ। मैं आपको बहुत पीछे ले जाना चाहता हूँ, मैं आपको सिंपलिसिटी में ले जाना चाहता हूँ, मैं आपको सादगी में ले जाना चाहता हूँ। आओ उस जगह वो खाना खाएं जो हमारे लिए बना है, आओ हम वो पानी पिए जो धरती से निकला है। कबीर साहब ने तभी तो कह दिया, कर नैनो दीदार महल में प्यारा, अरे तेरे अंदर तो वो बैठा है, उसका दीदार कर ले, लेकिन कब कब करेगा? वहां कहा उन्होंने, काम क्रोध मद मलोभ निवारो, क्षमाशील चित अपने धारो, मांस मद्य मिथ्या तर्क डारो, ये चीजें छोड़ो, तब जाकर तुम्हें आपके दर्शन होंगे। कैसे होंगे? अदरवाइज नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ तो इस चीज का तो कोई नाम ही नहीं सुनता। कबीर साहब क्या कह गए हैं, गुरबानी क्या कह गई है, संत क्या कह रहे हैं, हमने तो अपने मन को मानना है। वाह वाह वाह, बहुत बड़ा होटल, सबसे बढ़िया चीज़ वहाँ बनती है, वहाँ चलो। क्या कहा मैंने? तो खाना भी कर्म है। अच्छा सादा सिंपल सात्विक खाओगे तो कोई बीमारी नहीं लगेगी। थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ, साध संत में जा तेरे भले की कहूँ। संतों ने ऐसे ही नहीं कहा है। बाबा फकीर जी महाराज तो जहाँ तक कह देते थे, वो बच्चों जब रोटी स्वाद लगे तो उसने खाना छोड़ दो, इससे बड़े और क्या कहे महाराज जी। जब स्वाद लगे तो आदमी कहते ले आ एक फुलका और दे दे, सब्जी बहुत स्वाद बनी है, ऐसे कहते हो ना। लेकिन बाबा जी ने कहा, बच्चा जब स्वाद लगे तो खाना छोड़ दो। आहा क्या बात कही उन्होंने, इसमें भलाई है हमारी, अधिक खाने में भलाई नहीं है, जो है वो हमारे लिए नहीं बना है, खा लो जितना मर्जी खा लो। कहाँ इतने तड़के लगते थे? मुझे याद है एक मिट्टी की तौड़ी होती थी, उसमें माताजी दाल बनाते थे या साग बनाते थे लकड़ी के साथ, उसको क्या बोलते थे, मैं नाम भूल गया, करछी लकड़ी के, उसके ऐसी घोटना, बस घी डाला देसी खाओ साग, कोई तड़का नहीं, कोई टमाटर नहीं, कोई प्याज नहीं, कोई लहसुन नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ होता ही नहीं था, कुछ भी नहीं होता था, खूब खाते थे। क्या कहा मैंने? आओ थोड़ा खाना ठीक कर लो, खाना भी कर्म है, देखना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, इससे परे और मैं क्या कहूँ। जिसने देखना ठीक कर लिया, खाना ठीक कर लिया, देखना ठीक हो जाएगा, खाना ठीक कर लिया सुनना भी ठीक हो जाएगा, खाना ठीक कर लिया तो सेहत भी ठीक हो जाएगी।
क्या कहा मैंने सार साहब, बाबा फकीर जी की बात कर रहा हूँ। इसलिए किसी को दोष मत दो कि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने कुछ नहीं किया, हमारा ही कर्म है, हमारा ही कर्म है। जब क्या नाम है वो भीष्म पितामह जी तीरों की शैया पर लटके हुए हैं, तीर चुभे हुए हैं सारे शरीर में, लेकिन शरीर छूटता नहीं है, चाहता है कि मैं मर जाऊं। हालांकि उसको वरदान था कि तू जब चाहेगा मर जाएगा, लेकिन मर नहीं रहा क्योंकि कर्म अभी पूरा नहीं हुआ। जब तक कर्म पूरा नहीं होगा इंसान शरीर नहीं छोड़ सकता, तड़पेगा चारपाई के ऊपर पड़ा हुआ। मैंने देखा है भगवान कृष्ण जाते हैं पूछने के लिए, पितामह कैसे हो? कहते महाराज आप जानते हैं फिर भी मुझे पूछते हो, फिर भी मुझे पूछते हो। कहते नहीं, फिर भी तुम बताओ कुछ कर्म कौन सा किया है, कोई कर्म किया है तुमने तो वो तो बता दो। महाराज मैंने 100 साल तो देख लिए, अपने 100 जन्म देख लिए, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मुझे ये सजा मिले। कहते एक जन्म और पीछे देख। जब देखा तो भीष्म पितामह अपने उस जन्म में कांटेदार झाड़ी के साथ सांप को मार रहा है। कब गया? कहता महाराज देख लिया मैंने, 100 जन्म के बाद भी मैं नहीं बच सका, 100 जन्म के बाद भी मुझे ये सजा भोगनी पड़ी है। तो हम दुनियादार सोचो क्या कर रहे हैं। मेरे बाबा फकीर ने तभी कहा ऐ इंसान तू राम नाम ना जप, कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, मगर तू अपना कर्म और अपनी नीयत ठीक कर ले। और बिल्कुल अटल बात मैं कह रहा हूं जे, क्योंकि कर्मा दे होने अनवेड़े, बाकी किसी ने कुछ पूछना नहीं, वार सीध वो ही जाएगी, चंगियाइयां बुरियाइयां बाचे धर्म हदूर। जिन्हें नाम ते आया गए मशक्कत काल, वो एक स्टेज और है, जिसका कर्म ही ठीक नहीं है वो नाम कैसे स्मरण कर सकता है, जिसका खाना ठीक नहीं उसको कर्म कैसे ठीक कर सकता है, वो नाम नहीं जप सकता। अरे पड़े उस नाम का स्मरण करने के लिए अति से अति पवित्र होना पड़ेगा, देखना भी शुद्ध करना पड़ेगा, खाना भी शुद्ध करना पड़ेगा, बोलना भी शुद्ध करना पड़ेगा, कर्म भी शुद्ध करना पड़ेगा, तब कहीं नाम जपने के लिए तुम बैठ सकते हो, वरना तुम बैठ ही नहीं सकते। क्या कहा मैंने? चोपड़ा साहब आप आ गए, बहुत अच्छी बात है। क्या कहा मैंने? सत्संग में आए हो जहाँ भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ की क्या जरूरत है, जितने भी आप आए हैं आप भाग्यशाली हैं, कुछ ले जाओ सुनो और अपनाओ उसको, तुम्हें मिल जाएगा। बाबा फकीर तो यहाँ कह देते थे जिस आशा को लेकर आए हो वो पूरी हो जाएगी, मगर तुम उस आशा को भी बदल देते हो। बाबे ने कह तो दिया, पता नहीं होना कि नहीं होना, बाबे का आशीर्वाद भी खत्म हो जाता है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो बेटा, थोड़ा सा मुंह ऊपर करके। हाँ, जे जगत है पाटिका करते हैं प्राणी आगे काम। वाह सुनो दाता दयाल क्या कहते हैं। वाटिका देखी है कभी? वाटिका, वाटिका फूलों की क्यारी, उसमें जैसे मर्जी फूल लगा लो, जो फूल लगाओगे वही सुगंध में मिलेगी। गेंदा लगाओ, कली लगाओ, क्या नाम है पता नहीं, मेरे को नाम भी नहीं आते कई फूलों के, तो बात समझ गए, जो बीजोगे वहाँ वही मिलेगा, खेत में जो बीजोगे वही मिलेगा। गन्ना लगा दो, गन्ने के साथ मिर्च की भी बूटी लगा दो, गन्ने का गन्ना मिलेगा, मिर्च की मिर्च मिल जाएगी। क्या कहा मैंने? हल्दी लगा लो, जो वो भी मिलेगी, अदरक लगा लो वो भी मिलेगा,
मूली लगाओ मूलियाँ आ जाएंगी, शलगम लगाओ शलगम आ जाएंगे, गाजर लगाओ गाजर आ जाएगी, जो मर्जी लगा लो। आजकल तो एक फल और आ गया है जिसको वो कहते हैं क्या नाम उसका, बड़ा सारा नाम लिखा है उसका, लाल रंग का इतना बड़ा होता है, आपने मुझे खिलाया, क्या कहते हैं, ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन 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 फूल, लाल रंग का इतना बड़ा, अंदर से वो ही है जैसे हमारी कीवी होती है, अंदर से वो ही है, बात समझ गए। वो कितना महंगा है, वो निकाल लो जितना मर्जी खाओ, क्या कहा, बेचो पैसा कमाओ। जमीन में जो बीज डालोगे वो उसका फल मिलेगा। ब्रह्मांड भी एक जमीन है, सूक्ष्म नजर आता है लेकिन है नहीं, पकड़ा नहीं जाता, पृथ्वी को पकड़ सकते हैं। जो भी ख्याल हम करते हैं, अच्छा बुरा, नेक बद, भलाई का बुराई का, वो भी इस ब्रह्मांड में बीज रूप में चला जाता है। जैसे एक मिर्च का दाना डाला वो पौधा बना, हजार मिर्च लग गई, ऐसे ही एक ख्याल ऊपर गया उसमें भी फिर वो पौधा बन जाता है, पौधा बन के वैसे ही ख्याल और लेकर तुम्हारे पास ही वापस आएंगे, तुम बच नहीं सकते। क्या कहा मैंने, बात को समझो। तुम ऐसे ही सोचते रहते हो कि इसका कोई फायदा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, कोई ख्याल जाया नहीं जाता, नेक ख्याल ऊपर बेचाएगा तो नेक ख्याल वापस आएगा। तुम लोगों का भला चाहोगे तुम्हारा भी भला हो जाएगा, तुम किसी का बुरा चाहोगे तुम्हारा भी बुरा होगा तो उसका भी बुरा हो जाएगा, तुम बच नहीं सकते। क्या कह रहा हूं मैं, बहुत ऊंची बात कर रहा हूं। इसलिए ए इंसान, मेरे को तो बाबा फकीर ने बचा दिया, जब उन्होंने मुझे यहां आदेश दिया कि बच्चा तू अपने मन की किताब पढ़ा कर, तो मन की किताब को साफ ही कर दिया। क्या कहा मैंने, यहां तो कहता हूं जो जो आए सो सुखी जाए, सबकी मनोकामना पूरी हो, सभी सुखी जाएं, रोते आए तो हंसते जाएं, मेरी तो ये इच्छा रहती है, क्योंकि मुझे बाबा फकीर ने ऐसी शिक्षा दी है, जो तू चाहेगा वो हो जाएगा। मन को साफ कर ले, मन का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। दूसरों के बारे में क्यों सोचते हो तुम, क्या लेना देना, ये दुनिया है, वाटिका है, जो बीजोगे तुम्हें मिलना है, किसी का तुम बीजा हुआ काट नहीं सकते, तुम्हें अपना ही बीजा हुआ काटना है, तुम्हारे खेत में जो तुमने बीजा वो ही काटो, अगर कोई और काटेगा तो जाके सिर फोड़ दोगे आप। क्या कहा मैंने, इसलिए बात को समझने की कोशिश करो। जे जगत है बात का, करते हैं आके लोग काम, यही हम अपना कर्म करते हैं, यही हम अपने जीवन को बनाते हैं और यही हम अपने जीवन को बिगाड़ते भी हैं। आगे चलो। जे जगत है बाटी का, करते हैं प्राणी आके काम, कर्म के अनुसार इनके कांटे हैं और फूल सब। तो यहाँ जो भी कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा। क्या कहा मैंने, थकावट के लिए शाम को देखा मैंने, कहते आज तो भाई तो ज्यादा थक गए, ले आ थोड़े दो पिक पी लेते हैं। वो पैग नहीं पीते, वो अपनी मौत को मौत को बुलाते हैं। क्या कहा मैंने, मेरे पास एक जलंधर से इंसान आया विद फैमिली आया, जब शादी है तो उसके हाथ ऐसे कंपे। मैंने कहा अब तो बस कर दे, उसको मैंने कहा अब तो भैया बस कर दे, अब तो सिग्नल आ गया, तेरे हाथ भी तेरे काम नहीं करते। तो उसकी औरत रोने लग गई, रोने लग गई, हाथ जोड़ लिए। मैं नहीं अब नहीं पीऊँगा जी, मैं कह नहीं तुम छोड़ ही नहीं सकते,
हफ्ता को हो गया पता लगा, उसकी पत्नी कहती जी आप नहीं पीते, फिर पता लगा कि आज वो गए हैं अपने दोस्तों के साथ धर्मशाला गए घूमने के लिए, बस मैं क्या आज पियेंगे क्यों पियेंगे, आप समझ गए ना। पंजाबी में कहावत कहते थे बुजुर्ग हमारे अच्छी औरत सुंदर औरत बचना खुद तो बचती है लेकिन मुस्टंडे नहीं छोड़ते, ये कहा है बुजुर्गों ने, मुस्टंडे नहीं छोड़ते अच्छे आदमी को, मुस्टंडे नहीं छोड़ते। क्या कहा मैंने, अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली DCM में जमा हो गए, जो कमाया था सब खत्म और आखिर में मर गए। एक गुरदासपुर से सरदार आया, उनकी पत्नी 6 फुट लंबा इतना, मैं कह सरदार जी हूँ तो इतने तक भर गए हो तुसी हूँ तो थोड़ी जगह रह गई, बस करो हुन ना पियो। कहते ठीक है बाबा जी मैं नहीं पीऊँगा, पर कितने रह हुंदा नहीं। फिर DCM में वहाँ से टेलीफोन आया, बाबा जी मुझे बचा लो। मैं क्या उस वक्त मैं तुम्हें बचाने के लिए तैयार था, अब मेरे पास में नहीं है, अब तेरा लिवर ही जल गया ख़त्म हो गया है तो अब कोई तेरी मदद नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूँ खाना भी कर्म है, तुम्हारा खाया पिया ही तुम्हारी बीमारी का कारण बनता है कि नहीं। कर्म से ही सब कुछ मिला ना, दुख भी मिला सुख भी मिला, कर्म ये भी कर्म है, मैं तो इसको कर्म समझता हूँ। क्या फिर पढ़ो यही लाइन बेटा, जे जगत है बाटी का करते हैं प्राणी आके काम, कर्म के अनुसार इनके कांटे हैं और फूल सब। कर्म के अनुसार ही मिलना है, क्या कहा मैंने, मैंने इसको भी कर्म मान लिया है, देखने को भी मैंने कर्म मान लिया है, बोलने को भी मैंने कर्म मान लिया है, अब इससे परे और मैं क्या कहूँ। ऐ इंसान तेरा शरीफ शरीर अशरफ मखलूकात है, सबसे उत्तम हो तुम, ये नर नारायणी देह है इसमें नारायण रहता है, तुम इस नारायण का ही दुरुपयोग करते हो, तुम इस नारायण को नहीं समझते, तुम अपने मन की बात को समझते हो, जो अंदर से आवाज़ आती है उसको नहीं सुनते, इसलिए जब तुम्हें मन का किया हुआ खेल, मन का किया हुआ कर्म, मन को द्वारा हुआ देखा हुआ, मन द्वारा खाया हुआ, मन द्वारा बोला हुआ, मन द्वारा सुना हुआ ही तुम्हारे कर्म बनाएगा और तुम उससे आज़ाद नहीं हो सकते और ना ही तुम नाम का सिमरन कर सकते हो। क्या कहा मैंने, बात को पकड़ो मैं क्या कह रहा हूँ, सोचो विचार करो। इसीलिए संतों ने कहा जाके गुरु के, मैं तो गुरु हूँ नहीं, गुरु के स्थान पर बैठा हूँ, उसकी बात सुनो, जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वे गुनो, उन पर विचार करो कि आज क्या सुना हमने, हमने क्या सुना, गए थे हुशियारपुर मानवता मंदिर में, लो जी उत्थे की जाना, उत्थे तो बंदे ही 4 होंगे तुमने और लोगों से क्या लेना, अपना काम करो और चलते बनो। हमने कभी सोचा ही नहीं था, हजूर के पास आते थे कभी नहीं सोचा था कि कितने लोग आए, लोगों को देखते ही नहीं थे। यहाँ एक अग्रवाल जी आते थे, DP अग्रवाल फ्रॉम दिल्ली, वो कहते कमल जी आप कहते हैं कि मैं महाराज जी के साथ बहुत रहा हूँ, हम तो आते थे कभी हमने आपको देखा ही नहीं, आपने कभी हमने आपको देखा ही, कभी आपसे बात नहीं की। मैं क्या मेरा किसी से मतलब ही नहीं होता था, मेरा बाबा जी से मतलब होता था, मैं दोस्तियाँ नहीं बनाने जाता था कि तुम दिल्ली से आए हो तुम बम्बे से आए हो मैं तुमसे बात करूँ, मैंने किसी से बात करता था। क्या कहा मैंने, सत्संग में दोस्तियां नहीं चलती, आजकल तो सत्संग में लोग वो भी आएंगे वहाँ मिल लेंगे, वो रिश्तेदार भी आएंगे वहाँ मिल लेंगे,
रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं। क्या कहा मैंने, मैं आपको क्या बताऊं, आगे चलो। जो ठगेगा बैठगा जाएगा निसंदेहा, बेटा जो करेगा, जो ठगेगा बैठगा जाएगा निसंदेहा। जो कुछ भी करेंगे, चाहे मैं हूं, चाहे कोई संत है, कोई परम संत है, कोई गुरु है, कोई महागुरु है, सबको अपना ही कर्म भोगना है। ये गलत है कि गुरु लोगों के कर्म ले लेते हैं, कोई गुरु किसी के कर्म नहीं लेता। बाबा फकीर ने एक बात कही है, वो सुन लो ध्यान से। वहाँ साउथ में एक बहुत बड़ा सेठ था, पैसे वाला, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, चंद्रकांत था या शायद कुछ ऐसा था। तो उसको कोई बीमारी थी, और बड़ा पैसा खर्च हो रहा था। तो महाराज जी के पास वो आया, महाराज ने कहा, अच्छा सेठ साहब, अगर कुछ मांगू तो तुम दोगे? तो उसके लड़के भी साथ थे, वो देखे कि बाबे ने पता नहीं की मांग लेना वे पता नहीं बाबा जी ने की मांग लेना, धन मांग लेना, फिर मंदिर में इतना पैसा भेजो, लोग तो ऐसा ही सोचते हैं ना। तो सोचने के बाद कहा, अच्छा महाराज जैसा आप हुक्म होगा, अच्छा कल आ जाना, पानी ले आओ। पानी लिया, उससे संकल्प कराया कि तू लाला सेठ जी अपने सारे पिछले किए हुए कर्म मुझे दे दे। संकल्प लिया और पानी का घूंट पी लिया, चलो नाम लिया। उस वक्त बाबा फकीर जी किस हालत में थे वो मैं जानता हूं। वो फकीर के चोले में नहीं थे उस वक्त, वो उस हालत में जब पांचवें पद में थे। मैं समझ रहे हो बात को, वो शरीर मन आत्मा और सुरत से भी आगे थे। अभ्यास से उठे के लाओ अपने सारे कर्म मुझे दे दो, अगर अब आपके कोई और कर्म बचे होंगे तो तुम जिंदा रहोगे, नहीं तो तुम मर जाओगे। वो उसकी डेथ नहीं हुई थी, आराम आ गया, बिल्कुल ठीक आ गया। ये बात ठीक है, वो परम संत होगा। लेकिन बाबा ने कहते, मैंने तो विचार दिया, मैंने कुछ भी नहीं लिया उसके विचार को बदल दिया कि मैंने बाबे को सब कुछ दे दिया। मैं भी तो कह देता हूँ, बीबी मेरी सारी चिंता दे दे, मैं ख्याल ही बदलता हूँ। मैं चिंता किसी के ले सकता हूँ भला, बताइए क्यों बेकुमार? मैं चिंता लेता नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ख्याल को बदलता हूँ कि मुझे दे दो, मैं पहाड़ में फेंक दूँगा सबकी चिंता मैं ले सकता हूँ, लेकिन मेरा हित है, चिंता दूर हो जाती है आपके, मेरी शुभ भावना है कि दे दे मुझे। अगर तो तुमने मान लिया कि हमने दे दी तो तुम ठीक हो जाओगे, ये मैं सच्चे बदल से कह रहा हूं, लेकिन मेरे पर कोई असर नहीं होगा। हाँ मेरे पर असर तब होगा जब तुम चिंता भी दोगे और पैसे भी दोगे, मैं जेब में डाल लूंगा, फिर मैं फंसा। क्या कहा मैंने, मैं तुम्हारा दिया हुआ खा गया तो फिर मैं फंस गया, मैं तो लेता ही नहीं। इसलिए तुम्हारे भले के लिए मैं कहता हूं, मैं लेना देना कुछ नहीं है। जहां मेरा प्यार है वहां और चीजें होती हैं, प्यार कोई और चीज है, शिष्य बनना कोई और चीज है। क्या कहा मैंने, इसलिए कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। चलो आगे। जो ठगेगा बैठगा जाएगा निसंदेहा, प्रेमी जन ही पाते हैं और प्रेम के बहुमूल सब। हाँ, प्रेम, प्रेम बहुत बड़ी चीज है। एक होता है प्यार, प्यार हमारा पारिवारिक संबंध है, प्यार में हमारा स्वार्थ है, माँ का बच्चे से प्यार, बाप का बेटे से प्यार,
है ना, माँ का बेटी से प्यार, वो हमारा संबंध है, रिलेशन है, हमारे ब्लड रिलेशन है, तो वहाँ प्यार होगा, स्वार्थ है उसमें। प्रेम में स्वार्थ नहीं है, प्रेम में कुर्बानी है, प्रेम में कुर्बानी है, प्रेम में सब कुछ देना पड़ता है। इसलिए तो कहा जिन प्रेम की हो तिन ही प्रभ पायो प्रेम। हमारा तो प्रेम हमारी पृथ्वी के, हमारी जमीन के साथ है, धन के साथ है, प्रॉपर्टी के साथ है, या पैसे के साथ है, या पत्नी के साथ है ना प्रेम, वो हमने प्रेम डाला हुआ है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम में तो कोई भी अपना नहीं और सभी अपने हैं। प्रेम में कोई अपना नहीं है मगर सभी अपने हैं। एक एक जैसा व्यवहार सबसे करने वाला प्रेमी है। जो फर्क रखता है वो प्रेम नहीं करता, वो प्यार करता है। प्यार में डिफरेंस हो सकता है, प्रेम में डिफरेंस नहीं हो सकता। और जिसने अपने आप से प्रेम किया है, जब तुम अपने आप से प्रेम करोगे फिर तुम दुनिया से भी प्रेम करोगे। जो अपने आप से प्रेम नहीं करना जानता वो दुनिया से भी प्रेम नहीं कर सकता। क्या कहा मैंने? क्योंकि उसको पता लग गया कि मैं कौन हूँ, तो उसको पता लग गया कि इसमें भी वही बैठा, अपने लकी में भी वही बैठा, शोक में भी वही बैठा, सुनील में, सभी सब में तो वही तो बैठा है, तो किससे मैं प्रेम प्यार करूँ, जब प्रेम करूँगा फिर तो मुझे प्रेम लग गया। क्या सब में खटखट में वो साईं बैठा, घुंघट के पट खोल तो कोपिया मिलेंगे, घट घट में वो साईं बैठा, कट को वचन मत बोल रे। कबीर साहब ने कह दिया देखना तू कड़वा वचन ना बोल, वो सब में वो ही बैठा है। संतों ने पता नहीं क्या क्या हमें कहा, हमने सब उठाया था रख के ताला लगा दिया, हम नहीं मानते तेरी बात, तू होगा जो कहने वाला कह गया, हमें नहीं तेरी बात समझ लगती, हम तो जिएंगे खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। क्या देखा जे जग मीठा अगला कंडीठा, ऐसा भी कई लोग कहते हैं, ये जग मीठा अगला कंडीठा, ये भी लोग कई कह देते हैं जिनको दुनिया से प्यार है। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। अपनी करनी आप भरनी, हाँ, पड़ती है संसार में, अपनी करनी आप भरनी पड़ती है संसार में। आ इंसान तेरा कर्म कोई भी बांटने वाला नहीं है, कोई भी नहीं बांटेगा, तुझे तोरा ही कर्म भोगना है, अपनी करनी आप भरनी। इसलिए संतों ने दावा किया, बार बार लिखा, बार बार सबने लिखा, कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना, कर्म गति टारे ना टरी। अब मैं तो ये बात करता हूँ कि वो राम जी जिनके गुरु विशिष्ट हैं, जिन्होंने उनकी शादी का मुहूर्त निकाला और बाद में हुआ क्या, इतने बड़े ऋषि ने मुहूर्त निकाला और कहीं राम मिला, राम को आराम मिला, कहीं राम को सुख मिला, और अगर सीता वापस भी आ गई फिर भी बेचारी को घर से निकाल दिया, ना सीता को सुख दिया ना राम को सुख मिला, दोनों ही तड़पते चले गए। क्या कहा मैंने? और कृष्ण क्या बचे? कृष्ण भी तो तीर से मारे गए, उन्होंने भी जो काम किया उसका उनका फल को भी भोगना पड़ा। तुम इतिहास को देखो, कोई नहीं बच सकता, हर इंसान को अपना कर्म आप भोगना पड़ता है। हमारे ऋषि तो यही कह गए, हमारे संतों ने यही डंडोरा पीटा है, फिर भी हम नहीं मानते। ऐ इंसान तू अपना कर्म ठीक कर ले, तेरा संसार सुधर जाएगा। बस अपना विचार ठीक कर ले, अपनी रहनी ठीक कर ले। कर्म और है, करनी और है, रहनी और है। कर्म से करनी बनती है, करनी से रहनी बनती है। ये फिर लंबा टॉपिक हो जाएगा, कभी इस पर फिर बोलूंगा। आगे कहो। अपनी करनी आप भरनी,
पड़ती है संसार में, अपने घर की आप उठाया करते ही हैं चूल सब। अपने घर के भी दुख तुम्हें ही उठाने पड़ेंगे। पति का पत्नी के प्रति अगर व्यवहार ठीक नहीं है तो बच्चे भी ठीक नहीं होंगे। क्या कहा मैंने, मुझे कहीं से परसों एक मैं वहाँ गया हुआ था, टूर पर था, एक लड़की का मैसेज आया मुझे, एक लड़की का 15-16 साल की है। बाबा जी मेरे पिता मेरे साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं, कभी कभी ऐसे बातें बोल देते हैं कि दिल करता है मैं खुदकशी कर लूं। अब मैं समझता हूं क्या होगा, मैं समझता हूं। जो पत्नी अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, उसके बच्चे भी अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। मेरी बात को समझे आप। जहां पत्नी का पति के प्रेम नहीं है, जब पति का पत्नी से साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, तो उनके बच्चे भी आपस में कभी सुखी का जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। इसलिए पंजाबी में कहावत भी है, माँ पर ती पिता पर घोड़ा, बहता नहीं तो थोड़ा थोड़ा। क्या कहा मैंने, मैंने उसको लिखा फिर, बेटा तेरा पिता है उसके प्रति आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो जो भी कहता होगा तेरे भले के लिए कहता होगा। ये लिखा उसको मैंने, इफ यू कम टू इंडिया मैं आपको सारी बात देखकर बता दूंगा कि तुम्हारी माँ कैसी है तो तुम्हारा पिता कैसी है, कैसा है। मुझे, मैं गया हैदराबाद, लकी मेरे साथ था, वहाँ उनका लड़का किसी लड़की से शादी करना चाहता है, उसकी फ़ोटो दिखाई। मैंने भी फ़ोटो देख के लड़के का दिल रखने के लिए कह दिया, हाँ लड़की अच्छी है, मैंने कहना था। तो बाद में मैंने कहा मम्मी पापा से भी बात कर लेना, तुमको उसको कहा दादा दादी से भी बात कर लेना। तो थोड़ा बहुत वहाँ बात चली तो उसकी माँ ने कही, कह दिया महाराज हम उसको नहीं पसंद करते। तो वो लड़का उठकर चला गया, वो लड़का उठकर चला गया। आजकल खून बड़ा जोश में है, ये लड़के लड़कियां सोचते नहीं कि हमने क्या करना क्या नहीं करना। मुझे थोड़ी सी विचार आया कि क्योंकि वो अब इमोशनल होके गया है, भावुक होके गया है, इन लड़कों का क्या पता होता। मैंने उसकी माँ को कहा तू टेलीफोन कर, उसने नहीं उठाया। मैंने उसके पिता को कहा टेलीफोन कर, उसने नहीं उठाया। फिर उसको दादा को कहा, उसने भी नहीं उठाया। मैंने भी किया, मेरा भी टेलीफोन नहीं उठाया। मैं थोड़ा सा विचार में चला गया, मैं कहा अच्छा बेटी ऐसा कर, वो लड़की का नंबर तेरे पास है? कहती है हाँ जी। मैंने उसको कहा उसको करो टेलीफोन, के उसको मानव को कहो घर वापस जा। उसने उस लड़की को टेलीफोन किया, वो ड्यूटी पर थी, और उसने उसको कहा और एकदम वापस आ गया। लड़की ने कहा अच्छा। मैंने उनके फिर माँ बाप को कहा कि अब तुम देखो ये लड़का तुम्हारे कहने से वापस नहीं आया, मेरे कहने से भी वापस नहीं आया, और उस लड़की के कहने से वापस आ गया, तो तुम सभी लोग को उस लड़की के इसके ऊपर कितना कंट्रोल है। बात मेरी समझ गए? उस लड़की का फिर ज़्यादा कंट्रोल हुआ ना। हम आ गए तो उसके दादाजी का मुझे फ़ोन आया। ये बातें मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, किसी की बुराई नहीं कर रहा, कि महाराज वो परिवार हमारे परिवार के सामान्य नहीं है। हमारे मतलब उनकी जो माता जी हैं उनका ऐसा है
उसका पिता ये करता है, उसका पिता वो करता है, आप कृपा करो हमारे बच्चे को उससे बचाओ। मैंने फिर उस लड़के को फोन किया, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल दुनिया की बात बता रहा हूँ, ना किसी की बुराई कर रहा हूँ, ना मैं जगाने के लिए तुम्हें बात कर रहा हूँ कि तुम्हें भी पता लगे कि दुनिया क्या कर रही। मैंने कहा बेटा तुमने डिग्री कर ली? कहते हैं बाबा जी डिग्री नहीं मेरे हुई। अच्छा, नाना नानी के पास रहता है। मैं कहा नाना नानी ने आपको कहा कि बिजनेस चलाने का दुकान तेरे को दे देंगे तो बिजनेस चलाएगा, बिजनेस करेगा? तेरी पत्नी नौकरी करती है, तू बिजनेस करेगा और वो रात को 12 बजे आएगी, तू रोटी बना के रखेगा और वो थकी हुई आएगी, तू सेवा करेगा, तू उसका नौकर बन के काम करेगा? ये बता मुझे, तू ग्रेजुएशन कर ले, तू भी नौकरी कर, फिर तो मैं मान जाता, लेकिन तू उसका नौकर बन के रहेगा जे मैं आज आपको बता देता हूँ, सोच कर ले। फिर वो परिवार तेरे पिता के साथ नहीं मिल सकता, तेरे दादा के साथ नहीं मिल सकता। उसके दिमाग में एक मैंने ये बात डाली और अब वो ठीक रास्ते पर आया है, पता लगा मुझे। बच्चे आज आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो मन मर्जी करते हैं, नहीं हम तो ये करेंगे। और शादी के 6 साल बाद फिर लड़ाई झगड़ा, 6 साल भी नहीं चलते, 6 महीने चलते हैं सिर्फ, क्योंकि वो सूरत देखते हैं, सीरत नहीं देखते। हमारे बुजुर्ग शादियां करते थे बच्चों की, पहले सीरत देखते थे, सूरत नहीं। सूरत के पीछे एक और चीज़ है सीरत, सीरत के पीछे एक और चीज़ है बुजुर्गों इसके संस्कार। जिस बच्चे में संस्कार ही नहीं है वो दूसरे घर में जाकर एडजस्ट नहीं हो सकता। इसलिए सोच कर चलना है जिंदगी में, कुर्बानी है, शादी का मतलब कुर्बानी है, देना है अपने आप को, अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है तब सुख मिलेगा। अपनी मर्जी करोगे तो नहीं होगा। क्या कहा मैंने, ये भी कर्म है, शादी भी कर्म है। मैं शादी को भी कर्म समझता हूँ, क्योंकि शादी के बाद इंसान को कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है, अहम को त्यागना पड़ता है। यहाँ अहम है वहाँ शांति नहीं होगी, दोनों के में अहम का झगड़ा पैदा हो जाएगा और फिर अलग अलग हो जाते हैं। फिर कहती है लड़की कहती है इतने पैसे लूँगी तब मैं तुम्हें, मेरे सामने ऐसे केस आए हैं 25 लाख लूँगी तब मैं तुम्हें डाइवोर्स करूँगी, 25 लाख दे दो। मेरे रिश्तेदार लड़का डॉक्टर, लड़की डॉक्टर से भी शादी कर ली, 2-3 साल हो गए चोपड़ा साहब, तो वो लड़की आई कॉलेज अपने हॉस्पिटल से आई तो उसकी माँ ने कहीं कह दिया बेटी अब 3 साल हो गए हमें एक बच्चा दे दे, हमारा भी दिल लग जाया करेगा। बात सुनना ध्यान से, मेरे रिश्तेदारों में से रिश्तेदार, वो उसका बाप लड़के का बाप चीफ इंजीनियर रिटायर हुआ पंजाब गवर्नमेंट से उसने जाकर अपनी माँ को बताई, माँ ने बाप को बताई कि लड़की की सास ने ये कहा, आ गए उनके घर, कहते हमारी लड़की के बच्चे पैदा करने वाली मशीन है। अरे बाबा हमने अपनी लड़की भेजेंगे, 19 लाख रुपया रख दो हमारे खर्च हुआ है, नहीं तो हम कोर्ट में दावा करेंगे। क्योंकि बड़ी इज्जत वाला आदमी चीफ इंजीनियर रिटायर हुआ, नाक के थ्रू उनको 19 लाख रुपया पे किया, दावा नहीं होने दिया और लड़की ले गए। क्या कहा मैंने, ऐसे है दुनिया, ये दुनिया का कर्म बता रहा हूं आपको मैं, ये भी कर्म है। कैसे सुखी रहेगी वो लड़की,
वो लड़की कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकती जो अपनी बात को माँ से बात जाके करती है। इसलिए मैं माताओं को कहा करता हूँ, अपनी लड़की को सुखी रखना है तो शादी के बाद लड़की के साथ दखल मत दो। उसको कहो बेटी हमने तेरी शादी कर दी है, तू जा अपने जैसे मर्जी एडजस्ट कर। अगर तुम उसको टेलीफोन करोगी अब क्या कर रही हो, अब क्या कर रही हो, अब क्या कर रही हो, तो वो लड़की कभी वहाँ सुखी नहीं रह सकती। क्या कहा मैंने, मैं इसको भी कर्म मानता हूँ। आगे पढ़ो। इस भरम में तू पढ़ा औरों की बातें छोड़ दे। दादा कहते मेरे बाबा फकीर को, तू छड़ ना गल्लानू, तेरा बापू जो कीता उन्हें वो भोगना। किस भरम में तू पड़ गया है, इन बातों को छोड़ दे। कोई इंसान किसी को सीधे रास्ते नहीं ला सकता। और महाराज जी ने खुद बताया कि मेरा पिता, मैं तो तनख्वाह मेरी अच्छी होती थी तो मैं पैसे भेज देता था, तो दाता मैं आया छुट्टी तो दाता जी मुझे पूछते, फकीर अब तो तू अमीर हो गया है। जी महाराज आपकी बड़ी कृपा है, सारी तनख्वाह का क्या करते हो? मैं महाराज जी पिताजी को भेज देता हूँ। अच्छा तुम क्यों भेजते हो उनको, उन्होंने हमें पाला है, बड़े किया, पढ़ाया। तो कहते अच्छा तो तेरे बच्चे होंगे तू नहीं उनको पढ़ाएगा, तू कहाँ से पढ़ाएगा, तेरे पास पैसा नहीं हुआ तो। बंद कर, सिर्फ उनको खर्च दे, उसके ज़्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बाबा फकीर ने बोला मैं उनको 80 रुपये भेजता था फिर महीने के, ज़्यादा नहीं। तो पिता नाराज हो गया, बच्चा तू कम क्यों भेजता है। जब मैं छुट्टी आया तो पता लगा वो पैसा ब्याज में दे देते थे आगे, और किसी ने पैसा वापस नहीं दिया। मेरे हक की कमाई भी लोग खा गए। क्या कहते हैं मेरे बाबा, इसलिए दाता दया लिखते हैं। क्या कहते हैं, किस भरम में तू पढ़ा औरों की बातें छोड़ दे। औरों की बातों से उनको छोड़ तो दो लेकिन वहां से सबक जरूर ले लो। दूसरों को, दूसरे क्या किया, उनको उससे क्या दुख मिला या क्या सुख मिला, वो सबक ले लो बजाय आप पहले भोगो। मैं तो ये समझा हूँ, औरों की बातें छोड़ दो, ये भ्रम है दूसरों की बातें कोई चलना, उससे सीख लो कुछ। उसने ऐसा किया तो उसको इसका बोल भोगना पड़ा। मैं तो ये समझो, दुख देगा दुख सुख, दुख मिलेगा जो सुख देगा सुख मिलेगा। आगे पढ़ो। काम में लग अपने कर ले, कर्म निज अनुकूल सब, राधा स्वामी नाम भज, झगड़ों से बच कर रहे सदा। राधा स्वामी नाम भज, झगड़ों से बचकर रह सदा, झगड़ों से बचकर रह। हाँ, झगड़े ही नहीं करने, नाम जपने वाले को झगड़ा करने की जरूरत ही क्या है, वो अपने मन से झगड़ा करता है। जो नाम जपता है वो अपने मन से झगड़ा जरूर करता है कि मन मेरा तू आज मेरे ना बहुत बुरी कीती है, क्योंकि मन में कबड्डी खेलते हैं ना, जब नाम जपते हैं तो उसके साथ लड़ते हैं, वो फिर चला जाता है, फिर खींचते उसको, फिर चला जाता है, फिर खींचते हैं, तब जाकर वो रुकेगा नहीं तो नहीं कहाँ रुकता है। अगर दूर चला गया तो उसको फिर कोई ख्याल ले लिया, दूर चलेगा, बैठे नाम जपने के लिए मन कहीं और है, फिर भी काम बनेगा। इसलिए कहते हैं झगड़ों से बच कर रहे, तू क्या लेना, अपना काम कर, आगे चलो। राधा स्वामी नाम भज, झगड़ों से बच कर रह सदा, जो नहीं समझा तो पढ़ना लिखना होगा धूल सब। बस कहते हैं पढ़ना लिखना क्या, उसका क्या फायदा हुआ। मैं यहाँ ये कहता हूँ कि सत्संग का क्या फायदा हुआ। दाता दयाल जी तो पढ़ना लिखना बोला है ना, कि हजूर लिखते भी बहुत थे, बड़ी किताबें लिख दी उन्होंने,
बहुत कुछ लिखा है, अजीब बहुत कमाल किया हुआ है उन्होंने अपनी किताबों में। कहते क्या फ़ायदा उनके पढ़ने का और लिखने का, कोई फायदा नहीं है, छोड़ तू नाम जप अपना जरा तेन दिता गया है। इसलिए दाता ने फिर आगे एक शब्द लिखा हुआ कि मुझे नाम मिला है धरनी धर, मुझे ऐसा नाम दिया दाता ने कि मुझे कहीं का कहीं पहुँचा दिया। क्या कहा मैंने, तो सबसे महिमा फिर क्या हुई, सबसे बड़ी बात क्या हुई, दो बातें हुई, एक कर्म दूसरा नाम। कर्म करोगे तो नाम की प्राप्ति हो जाएगी, अगर कर्म ठीक नहीं है तो नाम भी प्राप्ति नहीं होगी। नाम जपने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ता है, अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ता है, अपने आप का नियंत्रण करना पड़ता है हर चीज़ में, बोलने में, चलने में, खाने में, पीने में, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। और अंदर से आवाज़ आ जाती बस अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। क्या कहा मैंने, तो मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया कर्म की फिलॉसफी के ऊपर कह दिया, नाम पर भी मैंने आपको बता दिया। नाम अगर मिला तो समझ लो कि आपको रत्न मिल गया है और उसका प्रयोग करो, ये नहीं कि उसको बंद करके रख दिया और ये समझ लिया कि मरने के बाद गुरु आके ले जाएगा। कोई गुरु आके नहीं ले जाता, ये झूठ है। तुम्हारा मन है, तुम्हारे मन में बहुत बड़ी ताकत है, ये जिसको चाहो पैदा कर सकता है। वो मन होगा तो मन आपके मिसगाइड भी कर सकता है। कई देवी, कईयों को देवी प्रकट हो जाती है और वो कह देती है अपने बेटे का बलिदान कर दे, कोई कह देती अपनी जबान कट के रख दे। पीछे अखबार में आया था ज्वाला जी मुंडा गया, उन्हें अपनी जबान ही बढ़ के रख दी, देवी ने कहा तो अपनी जबान काट दे ले, बोले अब करो कल। कौन सी देवी है जो कहे अपने बेटे को कि अपनी जबान काट दे, उसका अपना ही मन था। इसलिए मन को समझना है, घरों में सुख रखना है, शांति रखनी है। थोड़ा 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 खा और थोड़ा थोड़ा नाम का सिमरन कर, धीरे 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 तुम्हारे अंदर लाइन बनती जाएगी और अपनी मंजिल की तरफ तुम बढ़ते जाओगे और आपकी चिंताएं अपने आप ख़त्म होती जाएंगी, तुम्हारे कर्म अपने आप ठीक होते जाएंगे। जब उसका उसके बाजू पकड़ लिया फिर काहे की चिंता। क्या कहा मैंने, इसलिए सुखी रहो। आपको सबको मेरा बहुत प्यार बड़ा राधा स्वामी, आपके घरों में शांति रहे और जिस ख्याल से तुम लोग आए हैं मेरे सदगुरु बाबा फकीर वो आपकी इच्छा पूरी करे, यही मेरी शुभकामना। राधा स्वामी, राधा स्वामी।